गुड मॉर्निंग क्लास 12A, वेलकम बैक टू आवर लिटरेचर पीरियड. इन आवर लिटरेचर पीरियड आवर टॉपिक द टाइगर किंग इज कंप्लीटेड. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. सो ऑल द स्टूडेंट, आई हैव सेंड द पिक यू ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चन आंसर. बच्चों एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि आपके जो चैप्टर मैंने रोज आपको समझाते हैं कि आपको चैप्टर रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपके अंदर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वेरी शॉर्ट हैं, मल्टीपल च्वाइस हैं, कहीं से भी आपसे पूछे जा सके तो आपको आए. उसके बाद है जो देखिए शॉर्ट में लिखा देती हूँ, लॉन्ग में लिखा देती हूँ, देन आफ्टर आपकी बुक में एडिशनल क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और उनके नीचे एक्सरसाइज वगैरह जो भी हो एडिशनल क्वेश्चन आंसर आप लोग सभी बच्चों को करना है. और आप लोग का ये होमवर्क में आप लोग इसको हर चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है. तो आज हम आपको ये लिखा रहे हैं, इसके बाद आज के इस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन आंसर सभी बच्चे अपनी इस कॉपी में करेंगे जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर लिखाए जा रहे हैं. हर चैप्टर का होना है तो आज सबसे पहले आप टाइगर किंग करिएगा, कल आप फिर उसके बाद थर्ड लेवल के देंगे. ऐसे ही आपको सभी चैप्टर के करने हैं ताकि आपकी और अधिक अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आप लोग थोड़ी अपने अंदर क्रिएटिविटी ला सकें ताकि कुछ करने की क्षमता आपकी बढ़ सके, ठीक है बच्चों. आइए अब हम आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं. दिखाने का मतलब आपको बताने जा रहे हैं. चलिए आइए बच्चों देखिए द टाइगर किंग के आज मैंने आपको टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं, वो आपको मैंने सेंड किए हैं. रीडिंग इनसाइट करा चुके थे और उसके बाद मैं आपको आज लॉन्ग आंसर जो है उसको बता रही हूँ. आइए देखिए, हाँ फाइंड इट आउट आपको बता चुके थे, रीडिंग इन साइट आपके हो गए थे. उसके बाद आइए आपको लॉन्ग आंसर है रीडिंग इन साइट के बाद. आइए देखिए, ड्रॉ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ, ड्रॉ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स. आप अपने शब्द में जो है वो टाइगर किंग का आपको आपको एक सेकंड मुझे बता रहे हैं, एक मिनट. अच्छा देखिए, लॉन्ग आंसर है ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में टाइगर किंग का आप करेक्टर स्केच दीजिए. द देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिभा प्रतिबंधपुरम सर जिलानी जंग जंग बहादुर हैड मैनी टाइटल्स एंड सब नेम्स. जो प्रतिबंधपुरम का महाराजा था सर जिलानी जंग जंग बहादुर, उसके बहुत सारे टाइटल यानी बहुत सारे नाम थे और बहुत सारी उपाधियां थीं. हाउ एवर ही वॉज पॉपुलर एज द टाइगर किंग, जबकि वो टाइगर किंग के नाम से प्रसिद्ध था. द चीफ एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर. जबकि उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, जो एक प्रमुख एस्ट्रोलॉजर था, उसने ये भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु जो है वो एक चीते से होगी. कहता है क्राउन प्रिंस जो राजकुमार था जंग जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे. वो दिन प्रतिदिन बहुत अधिक लंबा चौड़ा और बहुत अधिक स्ट्रांग होता जा रहा था. एंड इंग्लिश गवर्नर्स टुक केयर ऑफ हिम एंड ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश. एक इंग्लिश गवर्नर था, उसने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी और उसने इंग्लिश का उसे ट्यूटर लगा रखा था बाय एन इंग्लिशमैन. किसके द्वारा? एक इंग्लिशमैन के द्वारा इसका ट्यूशन भी लगा हुआ था, यानी वो ट्यूटर था इंग्लिशमैन. व्हेन ही वॉज 20, जब वो 20 साल का हुआ, ही टुक द रेन इन हिज हैंड. उसके हाथ में शासन का मतलब उसके हाथ में शासन काल यानी शासन करना उसके हाथ में आ गया. द महाराजा कंटिन्यूड हिज कैंपेन टू द टाइगर हंटिंग
और महाराजा जो थे वो लगातार उसे टाइगर हंटिंग के लिए ले जाते थे विद रेयर सिग्नल माइंडेडनेस, केवल एक ही उनके अंदर विचार था। विद इन टेन ईयर्स कि 10 साल के अंदर ही किल्ड 70 टाइगर्स, इससे कि 10 साल के अंदर वो 70 टाइगर मार लेगा। ही वॉन्टेड टू मैरी अ गर्ल ऑफ ए स्टेट, वो किसी ऐसे राज्य की लड़की से शादी करना चाहता था विच हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलर, जिसके पास एक बहुत बड़ा टाइगर पॉपुलेशन, मतलब टाइगर हो उसके पास, मतलब बहुत सारे उसके पास टाइगर पले हों, पर टाइगर पॉपुलेशन माने टाइगरों की जनसंख्या हो। सो दैट ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स इन, ताकि वो उनमें से 99 टाइगर को मार सके। जब ज़्यादा सारे होंगे तभी तो 99 को मार पाएगा। द टाइगर किंग कुड पे एनी प्राइज इन माउंटेन किंगडम, जो टाइगर किंग था वो कोई भी प्राइज, मतलब अपना प्राइज अदा नहीं करता था टू मेंटेन हिज किंगडम, अपनी राज को चलाने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए। ही आल्सो गेव अ ब्राइब वर्थ 3 लाख रुपीज टू ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल टू रिटेन हिज किंगडम, और उसने घुसखोरी दी थी लगभग 3 लाख रुपए, जो हाई रैंक का बहुत ही उच्च पोस्ट का ब्रिटिश ऑफिसर था उसको राज में बनाए रखने के, उसे 3 लाख की ब्रेबरी यानी मतलब घुस दी थी। द महाराजा न्यू हाउ टू टेक वर्थ फ्रॉम हिज मिनियंस, उसको पता था कि किस प्रकार से हम किसी दूसरे चीज़ की कीमत लेते हैं, यानी कैसे उससे काम निकालते हैं। ही यूज टू दीवान टू फाइंड आउट द सुटेबल गर्ल फॉर द मैरिज, उसने दीवान को लगा रखा था उसके योग्य लड़की ढूंढने के लिए। ही कुड बी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड डबल द टॉक्स ऑन द पीपल, कहता है कि वो शॉर्ट टेम्पर था, बड़ी जल्दी में गुस्सा आती थी और बहुत जल्दी में नॉर्मल हो जाता था। ही आल्सो थ्रेटन्ड द दीवान, वो दीवान को भी डरवाता था दैट द वर्ल्ड डिसमिस हिम, कि ये संसार उसे निकाल देगा वो अपनी सर्विस से, क्या मतलब क्या पता संसार नहीं, वो ये भी दीवान को डरवाता था कि वो उसे अपने राज्य, मतलब अपनी सर्विस से निकाल देगा। द किंग मेट आयरोनोकली द किंग मेट हिज डेथ बाय ए वुडन टाइगर, अंत में एक जंगली जानवर से उसकी मृत्यु हो गई। एट लास्ट द 100 टाइगर टुक रेवेंज फ्रॉम अपॉन हिम, और अंत में सैकड़ों जानवरों ने उससे बदला लिया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों, अब आइए हम आपको एक दूसरे क्वेश्चन का बताते हैं। डिस्क्राइब द शॉर्ट में बताइए कि किस प्रकार से अंत में राजा की डेथ हो गई। महाराजा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम हैड किल्ड 100 टाइगर, महाराजा प्रतिबंधपुरम के राजा ने कितने से चीते मारे थे, मतलब 100 उसको मतलब मारने थे। कहते टाइगर डोमिनेटेड इन हिज लाइफ, और टाइगर हिस्से ही उसकी लाइफ में पतन होना था, पतन होता था सीन्स बर्थ, जन्म से ही, इसीलिए ही वॉज नोन एज ए टाइगर किंग, इसीलिए उसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था, इसीलिए वो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता। हाँ आगे देखिए, द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट ही वुड बी द चैंपियन ऑफ चैंपियन, और एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वो चैंपियन का भी चैंपियन, यानी वो मतलब वो प्रमुखों का भी प्रमुख होगा, प्रधानों का भी प्रधान होगा। बट द टाइगर वुड बी द काज ऑफ हिज डेथ, लेकिन फिर भी टाइगर ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। एज सून एज ही टुक द रेन ऑफ हिज थ्रोन, जैसे उसने अपने सिंहासन का पद संभाला। एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में ही किल्ड ए टाइगर, उसने एक टाइगर को मार दिया। द एस्ट्रोलॉजर वॉर्न हैड टू बी केयरफुल फ्रॉम द 100 टाइगर, एस्ट्रोलॉजर था वो सैकड़ों, मतलब उस सैकड़ों जानवरों से अलर्ट किया गया था, वो सैकड़ों जानवरों से अलर्ट था, फिर भी इन 10 ईयर 10 साल में ही किल्ड 70, उसने 10 साल में 70 टाइगर को मारा था। एंड इज नेटिव फॉरेस्ट बिकम इंजेक्ट विद टाइगर्स, और उसका जो नेटिव फॉरेस्ट था, मतलब उसका जो जंगल, उसका अपने ही शहर का जंगल था, वह बिकेम एग्जिस्टिंग विद टाइगर्स, वो बिल्कुल खाली हो गया था जानवर टाइगर से। द महाराजा मैरिड अ रॉयल गर्ल फ्रॉम हर स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, अब राजा ने जो थी एक बहुत अच्छी लड़की से शादी कर ली अपने स्टेट की, जिसकी एक बहुत बड़ी टाइगर्स की फैमिली थी। व्हेनेवर ही विजिटेड हिज फादर इन लार्ज किंगडम, जब वो अपने फादर इन लॉ यानी ससुर को अपने राज में देखते थे, ही वुड किल 5 or 6 टाइगर्स एवरी टाइम, तो वो हर बार 5 या 6 टाइगर मारते थे। द प्लेस बिकेम इंस्टीट्यूशन विद टाइगर्स, अब वो जो प्लेस था वो राजाओं के लिए बहुत विशिष्ट स्थान, मतलब
चीतों के लिए बहुत विशिष्ट स्थान बन गया था। When he had killed 99 tigers, जब वो 99 टाइगर्स को मार चुका था। द दीवान अरेंज फॉर द 100 टाइगर, अब दीवान ने उसके लिए जब 99 मार चुका तो समय के लिए भी दीवान ने व्यवस्था उसके लिए बनाई। द दीवान अरेंज फॉर द 100 टाइगर, द किंग फायर एट इट, और किंग ने उस पर भी फायर किया बट फेल टू किल इट, लेकिन उसे मारने में असमर्थ हो गया। इट ओनली फेंटेड, वो केवल बेहोश हो पाया। द किंग थॉट दैट, राजा ने सोचा दैट ही हैड किल्ड इट लेटर, कि इसे बाद में मार देगा। द 100 टाइगर किल्ड इट, सॉरी द हंटर टाइगर किल्ड इट, और शिकारी ने उसे मार दिया। द किंग परचेज अ वुडन टाइगर, जो राजा जो था उसने एक जंगली जानवर को जंगली चीते को खरीदा। और टू ऑफर टू हिज सन, उसको अपने बेटे के लिए एज अ बर्थडे प्रेजेंट, जैसे कि बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए उसने एक टाइगर को खरीदा और अपने बेटे को दिया। इट्स सिल्वर प्रीस्ट एंड महाराजाज राइट हैंड, और इसके ये जो इसका इसके सिल्वर जो थे वो छुपे बड़े हुए थे महाराजा के राइट हैंड में। इट इज आयरोनिकल दैट दैट इन्फेक्शन स्प्रेड, उसी से इसके इन्फेक्शन फैल गया और राजा मर गया। इस प्रकार से प्रेडिक्शन जो थी वो सत्य हो गई। ठीक है, ओके क्लास। बच्चों एक बार फिर ध्यान से हम आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब कुछ सेंड करती हूँ, सब बताती भी हूँ, सब एक्सप्लेन करती हूँ। देन आफ्टर आपको एडिशनल क्वेश्चन आंसर यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप करने हैं। इसके अलावा भी जो ग्रुप में एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, बट हर चैप्टर की करनी है, हर चैप्टर की। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि सभी बच्चे अपनी जिम्मेदारी से हर चैप्टर के लिए, और मैंने जो क्वेश्चन आंसर आज लिखाए हैं सारा फेयर काफी नंबर पर जाने, टुडे जो चैप्टर इज कम्प्लीटेड एक्चुअली, और योर एफ ए वन कोर्स इज कम्प्लीटेड। कल हम आपको देखते हैं आपको क्वेश्चन आंसर दिया, पहले तो आप वर्क अपना कंप्लीट करिए। आज के होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके हैं एक्सरसाइज के, और आप लोग सभी बच्चे अपने सभी बच्चे वर्क सेंड करिए। कोई बहुत सारे बच्चे अपना वर्क सेंड नहीं करते हैं, वो ध्यान से सुन ले, उन्हें ना तो मार्क्स मिल रहे हैं ना तो उनकी कोई प्रैक्टिस हो रही है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना वर्क जरूर सेंड करें। ओके क्लास, थैंक यू।